ट्रेंड आज ही की बात है कि मेरे एक नेबर ने मुझे पकड़ लिया, मतलब कि वो मेरे से छोटा था और कहीं ना कहीं अभी उसकी जस्ट एजुकेशन कंप्लीट हुई है, रिसेंटली उसकी जॉब लगी है पिछले ही 2-3 महीने पहले, और उसने मुझे पकड़ लिया कि भैया भैया मुझे ना कुछ ऐसा बताइए कि जिससे कि मैं अपनी लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाऊँ और मैं अपनी लाइफ में रिटायरमेंट को अचीव कर पाऊँ। मतलब कि उसने मुझे एक ऐसी चीज बोली जो कि बहुत कम लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हालांकि वो जानता है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं एक फाइनेंशियल फील्ड के अंदर लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे उसने पकड़ लिया और मुझे उसने बोला कि भैया मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे कि मैं अपनी लाइफ के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको पूरा कर पाऊँ, साथ में मैं अगर आज से कुछ सेविंग करना शुरू करता हूँ तो मेरे को रिटायरमेंट पे कुछ अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो जाए। सो मैंने उसको एनालाइज किया, मैंने सोचा उनसे, मैंने उनसे पूछा कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और क्या आपका प्लानिंग है। तो हालांकि वो बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन उसने बोला कि भैया मैं ज्यादा अभी इन्वेस्ट तो नहीं कर सकता, मेरी 15-16 हज़ार रुपए के आसपास सैलरी है, लेकिन मैं अभी इनिशियली 1-2,000 रुपीज पर मंथ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। सो आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए, या आप भी अगर ऐसा चाहते हैं कि भाई 1-2 हज़ार रुपए से आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस को क्रिएट कर सकते हैं या फिर रेगुलर पेंशन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो हालांकि मैंने उसको 2,000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट किया, मैंने बोला कि आप 2,000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट करो एंड आपको जो इनकम जो मिलेगी या फिर जो आपको पेंशन जो मिलेगी वो 4 लाख रुपए पर मंथ होगी। सो वो पूछने लगा यार ये कैसे होगा, और वो मतलब एक तरीके से एक्साइटेड हुआ कि भैया मुझे बताओ कि मेरे को जानना है कि कैसे होगा। सो मैंने उसको कंप्लीट कैलकुलेशन बताई, उनकी एज ज्यादा नहीं थी, आई थिंक 20-21 एज के आसपास है उसकी। सो मैंने उसको बोला कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक अगर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रखोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा रिटायरमेंट पे पैसा जनरेट हो सकता है, कॉर्पस बड़ा क्रिएट हो सकता है। सो मैंने उसको 2,000 रुपये पर मंथ की कैलकुलेशन बताई। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं इस सिनेरियो को, इस कंप्लीट जो उसने मेरे से बात करी, जो मैंने उसको कंप्लीट डिसाइड किया, गाइड किया, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि भाई छोटी इन्वेस्टमेंट से आप अपने कॉर्पस को क्रिएट करना, साथ के साथ एक रेगुलर इनकम अपने ओल्ड एज के लिए यहाँ पर लेकर आना, मतलब जैसे हम पेंशन इनकम बोल सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर, तो ये सारी चीजें आपको कैसे जनरेट की जा सकती है, तो चलिए आज समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप भी इन सारी चीजों को फुलफिल कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और अभी तक मैंने 2,000 से ज्यादा फैमिलीज को सिक्योर किया है और उनको फाइनेंशियल गोल्स के डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर मैंने उनको गाइड किया है। अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और मैं आपके लिए रेगुलर कॉन्टेंट लाता रहता हूँ जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना पाए। सो बिना किसी देरी के चलते हैं इस सिनेरियो को समझते हैं कि कैसे छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़े कॉर्पस को क्रिएट किया जा सकता है और एक लंबे समय के लिए रेगुलर पेंशन इनकम को जनरेट किया जा सकता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने उनको बताया कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे मंथली बेसिस पर, क्योंकि वो सैलरीड है तो सैलरीड बेसिस पर आपको अगर मान लीजिए 16,000 उनको इनकम आती है या सैलरी आती है तो जिसमें से वो 2,000 रुपए बहुत इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट पे डाल सकते हैं। सो मैंने उनको 2,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मैंने गाइड किया, सजेस्ट किया कि आप 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कीजिए। और हालांकि ये लंबे समय के लिए था तो 20 एज मैंने उनको मंथ के चलिए, सो 40 ईयर्स तक उनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 40 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट किया, 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको मिलती है, जो कि हम म्यूचुअल फंड की अगर हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर जो आपको लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड मैं आपको पर्टिकुलरली गाइड करूंगा, आपको बोलूंगा कि ये वाले फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो एटलीस्ट आपको 14-15% के रिटर्न्स तो आराम से मिल ही जाएगी, हो सकता है इससे ज्यादा भी मिले, बट यहाँ पर मैं 15% तक का आपको लॉन्ग टर्म प्रपोर्शनेटली आपको यहाँ पर मान के चल रहा हूँ 15% की रिटर्न आपको मिल जाती है। अब आप देखिए कि उन्होंने टोटल जो इन्वेस्ट किया, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड जो था, उन्होंने टिल 40 इयर्स 40 सालों में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड होने वाला है, ये होगा 9,60,000 रुपीज, मतलब कि मोटा मोटा अगर माने 9.5-10 लाख रुपए के बीच में, और एस्टिमेटेड फ्यूचर वैल्यू कितनी बन जाएगी। सो आप देखिए 9,60,000 रुपए इन्वेस्ट करके उनकी जो कॉर्पस बन जाएगा लगभग 4,60,00,000 रुपए बन जाएगा, 4.5 करोड़ के आसपास उनका कॉर्पस क्रिएट हो जाने वाला है। सो अब आप सोचिए यार ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फायदा दे सकती है। सो ये चीज तो उसको समझ आ गई कि भैया मेरे को एसआईपी के अंदर
2000 पे इन्वेस्टमेंट करके मेरे को 4.5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई ये जो 4.5 करोड़ है इसको स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट से साथ साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहे। सो यहाँ पर मैंने उसको गाइड किया कि आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं लोग, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी कोई एक लमसम अमाउंट पड़ा है 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए का, तो आप भी SWP के थ्रू जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं और रेगुलर पेंशन की तरह आप यहां पर इनकम को जनरेट कर सकते हैं, जो कि एश्योरेंस होगा आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत होती है, क्योंकि अगर बिना उसके आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो हो सकता है आपकी जो अमाउंट है कॉर्पस है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाए। सो बेटर है किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड कीजिए, उनसे सपोर्ट लीजिए, तभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज आपका जो अमाउंट होगा, जो कॉर्पस होगा, वो कहीं खत्म ना हो जाए। सो मैंने उनको गाइड किया कि आपके पास जो कॉर्पस क्रिएट हो रहा था 4.6 करोड़ रुपए का, तो यहां पर इनिशियल फंडिंग हो जाती है 60 साल की एज पे 4.6 करोड़ रुपया, ठीक है। सो मैंने उनको यहां पर इन्वेस्ट किया 4.6 करोड़ रुपए को, और मैंने उनसे पूछा आप क्या चाहते हो कि भाई मेरे को 40 साल के बाद रिटायरमेंट पे कितनी पेंशन इनकम चाहिए। उसने मुझे बोला कि भैया एटलीस्ट 2 लाख या 3 लाख के आसपास। फिर भी मैंने, चलो उनको एक ध्यान में रखते हुए मैंने उनको बोला ठीक है आप एक काम कीजिए, आप मेरे से 4 लाख रुपए आप एश्योरेंस कीजिए कि मैं आपको 4 लाख रुपए की मंथली रेगुलर इनकम देता रहूंगा जब तक आप सर्वाइव करने वाले हो। तो 60 साल से लेकर 80 साल तक 20 सालों तक जब आपकी इनकम नहीं होगी उस टाइम पर भी आपको मंथली 4 लाख रुपए महीना आता रहेगा। सो ये सुनकर एक 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 आपको भी फील आती है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ और ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप इसको स्मार्टली प्लान करते हो, फाइनेंशियल गोल्स को कंप्लीट करना चाहते हो। सो यहाँ पर मैंने 4 लाख रुपए मंथली विड्रॉल प्लान में डाल दिया है, ठीक है। आपको अब 4 लाख रुपए हर मंथ आना शुरू हो जाएगा रेगुलर बेसिस पर। अब इसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो जाती है मान के चलिए 15%, मतलब ये एक एक्सट्रीम है, लेकिन यहाँ पर अगर मान के चलिए आप 12% भी लेते हैं तो भी एक अच्छी खासी रिटर्न है जो कि आपको मिल जाती है, और ये रेगुलर मिलेगी और आपको इससे आपका कॉर्पस भी क्रिएट होता रहेगा। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आपका स्टार्ट आफ्टर इयर्स, मतलब कि 60 साल पे अगर आपने 4.6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो आप क्या वो इमीडिएट चाहते हो या 1 साल 2 साल के बाद इसके अंदर इनकम जनरेट करना चाहते हो। सो इसको मैंने 0 ही छोड़ दिया, बिकॉज अगर मैं 60 साल की एज पे किसी का पैसा डाल रहा हूं तो 60 साल के बाद इमीडिएटली मेरे को ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा अगले महीने से, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है वो कितने टाइम का होना चाहिए, चेक आफ्टर ईयर फ्रॉम टुडे, मतलब कि अगर 60 साल से मैं मान के चलता हूँ कि पर्सन जो है 80 ईयर्स तक रेगुलर पेंशन चाहता है, सो मैं 80 ईयर्स यहाँ पर हॉरिजन डाल देता हूँ, और सॉरी 20 ईयर्स का हॉरिजन डाल देता हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि 60 साल और 80 साल के बीच में 20 साल का गैप है। अब आप देखिए कि हम 4 लाख रुपए हर मंथ विड्रॉ करते जा रहे हैं, 4 लाख रुपए 20 सालों तक हर मंथ विड्रॉ करते जा रहे हैं, जिसका टोटल विड्रॉल वैल्यू हो जाता है 9.6 करोड़ रुपए। अब आप एक छोटी सी कैलकुलेशन लगाइएगा कि यार मैंने 40 सालों में 9,60,000 रुपए दिया था, ठीक है, जो हमने अभी इस वीडियो के अंदर बात करी, आप दोबारा से प्रीवियसली जाकर देख सकते हो, लेकिन आप अपने ओल्ड एज में 9.6 करोड़ रुपए विड्रॉ करने वाले हो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से, ठीक है। दूसरी चीज, आपके पास एंड ऑफ द टर्म जो आपके पास पैसा होगा, आपके पास जो कॉर्पस होगा, आपने 4 करोड़ रुपए डाला था, 4.6 करोड़ रुपए डाला था, लेकिन अगर 80 साल पे भी अगर इन केस आपके साथ नेचुरल मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है, फिर भी आप अपने नॉमिनी के लिए लगभग 7.99 करोड़, मतलब कि लगभग 8 करोड़ रुपए का कॉर्पस छोड़कर जाने वाले हैं। अब 9 करोड़ पे तो आपने अपनी लाइफ को, रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करने में लगा दिया, ठीक है, ये पैसा आपने ऑलरेडी यूज कर लिया। दूसरा, आप उसके साथ 8 करोड़ रुपए का कॉर्पस एक क्रिएट करके जा रहे हो अपनी फैमिली के लिए, अपने नॉमिनी के लिए। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर बात कीजिएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजीज या अपनी लाइफ के गोल्स को पूरा करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है और आज वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करके अपने लाइफ के जितने भी स्टेजेस हैं
उनको प्लान कर रहे हैं और अपनी लाइफ के लिए अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। हालांकि ये मैं चार्ज करता हूँ लोगों से, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनसे मैं 5,000 रुपीज चार्ज करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं मिनिमम प्राइस पर आपको इसके लिए आप एक चार्जेस मिनिमम टोकन प्राइस आपसे चार्ज करूंगा। अगर आप ऐसा कुछ प्लान करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए तो नीचे लिंक पर आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर आप जा सकते हैं और जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो आप किस तरीके से अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। सो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से मैंने उस छोटे से बच्चे के लिए जो अभी सिर्फ जस्ट स्टार्ट ही किया था उसने लाइफ की जर्नी को, और अपने 2000 के इन्वेस्टमेंट से अपने 80 साल तक के गोल्स को कंप्लीट कर लेता है। सो अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं, आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहते हैं, सो अभी अपने डिस्क्रिप्शन पे जाकर अपने 1-to-1 सेशन को बुक कीजिए और हमारी एक्सपर्ट एडवाइस से अपने गोल्स को पूरा कीजिए। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिला, और आगे इस तरीके से अगर आपको और भी कॉन्टेंट या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर आप हमारे फीडबैक और सजेशन भी दे सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।